जी, मैं जयप्रकाश सिंह, एडीजीसी क्रिमिनल, कोड नंबर एडीजे थर्ड, गाजीपुर। जी, क्या मामला है? एक कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 689/20, धारा 420, 423, 465, 467, 468, 471, 474, 477A, 120B IPC दर्ज किया गया, जो गजल होटल के भूमि संबंधी मामले में दर्ज किया गया था। और ये दर्ज ये किया गया था कि ये लोग मुख्तार अंसारी जी के पुत्र अब्बास अंसारी, उमर अंसारी इसमें आरोपी हैं, और भी लोग आरोपी हैं जिन लोगों ने जमीन जो है नान जेड जमीन बंजर भूमि जो कि खाते में दर्ज थी, इसको उन्होंने कपट पूर्वक अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया था। इसमें ये लोग वांछित थे। अब्बास अंसारी, उमर अंसारी ये दोनों लोग अग्रिम जमानत में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ आए और वो बेल ट्रांसफर होकर कोर्ट नंबर 3 एडीजे राठौर साहब के यहाँ आ गई, जिसमें आज इसमें बहस की गई। बहस के बाद माननीय न्यायालय एडीजे थर्ड ने इनको पाया कि नहीं, इन लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया है जिसकी वजह से अब्बास अंसारी, उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसमें एक और अभियुक्त सैयद सादिक हुसैन जो जेल में बंद है, उसकी रेगुलर बेल थी, उसको भी खारिज कर दी गई। इसको क्या समझा जाए? ये जो मुख्तार अंसारी साहब के लड़के हैं, ये दोनों अभी फरार चल रहे हैं। हाँ, ये फरार चल रहे हैं। अब पुलिस को ये हो गया है, इनकी अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी और अब भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अभी ये मिले नहीं। मतलब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।